रखना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती। और भोपाल वाले पागलों, एक बात और याद रखना, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। अगर आपको प्रार्थना का असर देखना है, अहमता छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर हो जाओ। कथा सुनने आओ तो भक्त बनकर आओ, कथा सुनने आओ तो ये मत देखो बैठने मिला के नहीं, बागेश्वर बालाजी की या किसी की भी कथा हो, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम की पीठ हो, किसी की भी कथा हो, 100 काम छोड़ करके, 1,000,000 काम छोड़ करके मात्र 3 घंटे भगवत चर्चा के लिए दौड़े चले आओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना। काम तो जब तक तुम मरघटानी पहुंच गए तब तक रहेगा, जिस दिन मरघटा पे पहुंच जाओगे काम बंद ठप। आप कहोगे महाराज कथा सुनने से होता क्या है, कौन सी कृपा होती है, दिखाई तो पड़ती नहीं है। देखो भैया हवा होती है कि नहीं, यस नो बोलो, होती है ना, पर क्या दिखाई पड़ती। अब भोपाल वालों ने देखा हो कैसी नाक है बताओ, हवा की आंखें कैसी हैं, काली के पीली, देखा कभी हवा को, जोर से बोलो। अच्छा काली है कि गोरी, चितकबरू तो नहीं है, देखा किसी ने, पर होती तो है ये मानते हो, पर क्या दिखाई पड़ती। हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। संत की, गुरु की, भक्त की और भगवान की कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। कृपा तो तब काम आती है जब संसार हाथ उठा देता है, तब कृपा बाँह पकड़ करके पार लगा देती है। जब संसार के लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जब संसार दुश्मन बन जाते हैं, तब हमारे गोविंद की, गुरु की, संतों की कृपा अपना मुंह सीधा करके संसार के मुंह पर तमाचा मार देती है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान की कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार आज की कथा में जितने पागल बैठे, पागलो हम यही कहेंगे, तुम एक काम आज कर लो, आज एक बात और गांठ बांध लो, तीसरी बात, जब जब भी मौका मिले दिल खोलकर गोविंद की कथा सुना करो, पागल बनकर सुना करो। पागल का मतलब मेंटल नहीं है, याद रखना, मेंटल हो जाओगे तो हॉस्पिटल जाओगे। पागल का मतलब जो प्रभु के चरणों को पाकर के उनमें गल जाए, उसी का नाम पागल। पागल का उल्टा करो तो पागल का उल्टा होता है लगपा, जो प्रभु के चरणों में लग जाए उसी का नाम पागल है।